हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके लिए स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी बेनिफिट मिल सके। देखिए हम क्या करेंगे, रेसिस्टर इन सीरीज पे हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है। अभी इस वीडियो में हम खाली सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कैसे क्या यूज़ करेंगे इसका देखेंगे। आप यहाँ पे रेसिस्टर इन सीरीज, हमने किस बात किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज की बात, यानी जब रेसिस्टर्स हमारे क्या हों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, तो हम उनमें करंट वगैरह किस तरीके से फ्लो होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा है व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू ईच अदर, यानी कह रहा है कि जब हम क्या करें, दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को लिखा है देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी तो हम कह देते हैं कि ये कैसा कैसे कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, यानी किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, सीरीज कनेक्टेड हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स को आप क्या करेंगे, एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्ट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वे में लिखी है, आप इसे इजीली नोट कर सकते हैं। फिर आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमने कोई सेल लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये क्या है, की है, यानी जिससे स्विच बोलेंगे या की बोल रहे हैं आप, जो भी आप बोलना चाहते हैं, प्लग, ठीक है। आई हमारा यहाँ से देखो, जब हम की प्रेस करेंगे तो करंट, अभी से आपको पता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो आई करंट हमारा इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे आप रेसिस्टेंस देख सकते हैं, R1, R2, R3 हमारे क्या है, रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है वोल्टेज चेक करने, पोटेंशियल चेक करने के लिए। ए यहाँ पे एमीटर है, एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, आपको पता ही है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है किस तरफ जा रहा है, ये आई यहाँ पे आपको लिखा हुआ, और ये सिंबल एरो भी दिखा रहा है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। जैसे ही देखो R1, R2, R3, ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। जैसे ही हम वोल्टेज यहाँ से क्या कहते हैं सेल से कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो हमारा करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर जो हमारे रेसिस्टर जुड़े होंगे R1, R2, R3, इनके थ्रू क्या होगा, इनके पोटेंशियल में भी क्या आने लग जाएगा, चेंजेस आने लग जाएगा। चेंजेस किस तरीके से, R1 के लिए हमारा V1 हो जाएगा, R2 के लिए हमारा V2 हो जाएगा, और R3 के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होगा, V3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे रेसिस्टर्स क्या हों, एक साथ जुड़े होते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। या आप कह सकते हैं ऐसे सर्किट जिसमें करंट हमारा क्या हो, ऐसे रेसिस्टर्स जिसमें क्या हो, हमारा करंट क्या हो, इक्वल फ्लो हो, वो क्या कहलाता है, वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप, प्रूफ करने के लिए जब हम आएंगे, प्रूफ करेंगे इसे, तो हम लिखेंगे एन अप्लाइड पोटेंशियल वी प्रोड्यूस करंट आई इन द रेसिस्टर्स, यानी क्या कहेंगे कि जब हम वी पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं किसके अंदर, रेसिस्टर्स के अंदर, तो उनमें क्या होगा, करंट आई फ्लो होने लगेगा किन रेसिस्टर्स के अंदर, ठीक है। R1, R2, R3 के अंदर हमारा करंट क्या होगा, आई फ्लो होने लगा है, जिसके कारण क्या होगा, R1, R2 एंड R3 के लिए, R1, R2, R3 के कारण क्या होगा, हमारा पोटेंशियल किस में ड्रॉप हो जाएगा, V1 में, V2 में और V3 में हमारा क्या ड्रॉप, यानी बट जाएगा, यानी पोटेंशियल हमारा V1, V2, V3 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आगे हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे, अगर हमारा देखो पोटेंशियल V1, V2, V3 में डिवाइड हो रहा है, तो हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ देखेंगे आप, टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V=V1+V2+V3, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए बिल्कुल ईजिली। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है, आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या हो, V=, आपका IR होता है, बट आप यहाँ देखेंगे क्या है, V=, V1, V2, V3, तो आप V1 के लिए अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो V1 के लिए देखो यहाँ V है, I आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, V1 के लिए आपका रेसिस्टेंस क्या काम करेगा, R1 करेगा, V2 के लिए R2 और V3 के लिए R3, I में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। V1 के लिए क्या आ जाएगा, IR1, V2 के लिए क्या आ जाएगा, IR2, और एंड V3 के लिए
IR3 इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, V1 V2 और V3 की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 and V3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे वी इज इक्वल टू वी वन की जगह आप क्या रखेंगे IR1, V2 की जगह लिखेंगे IR2 और V3 की जगह लिखेंगे IR3 इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे आप लिखिए बट वी इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है किसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ यहाँ लिख लें ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जिससे आपको समझ आ जाए हमने कैसे लिखा है। वी इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो हम इस वी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे IR को पुट कर देंगे, तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3 ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, अब इसमें देखो सब जगह आपको I दिख रहा है कॉमन, तो आप I को इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा IR इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 + R2 + R3 ठीक है। आई आपने यहाँ पे जब कॉमन ले रखा है तो आई से आप आई को क्या कर दिए इरेज कर दीजिए, आई से आई कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल टू के उस तरफ हैं। जब आप इस आई को इसके अपॉन में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इजीली क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आप इधर से इधर काट सकते हैं आराम से इक्वल के इस तरफ, तो आपका आर इज इक्वल टू R1 + R2 + क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यही आपका क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन इतना ही सही था जिसमें हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया है ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्या करेंगे दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। हालांकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा करंट कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी तीनों रेजिस्टर्स में हमारा क्या होगा इक्वल करंट फ्लो होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन आपका क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। एक बार डायग्राम आप दोबारा से समझ लीजिए, अगर देखो क्या होगा यहाँ पे हमने सेल जोड़ना है जिसका पोटेंशियल हमने क्या लेना है वी लेना है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करें करंट हमारा क्या आई फ्लो होगा, आई हमारा क्या है कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस हमारे क्या लगे हैं R1, R2 और R3 यानी रेसिस्टर्स बोलो या रेसिस्टेंस R1, R2, R3 रखे हैं। देखो जैसे ही करंट फ्लो करंट तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो R1 के लिए हमारा पोटेंशियल क्या ड्रॉप हो जाएगा V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। तो इसलिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर जब हम प्रूव करेंगे तो हमारा टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 + V2 V3 होगा। इक्वेशन हम इसे क्या कर लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो V इज इक्वल टू IR होगा। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा I हमारा कॉन्स्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3 हो जाएगा। तो तीनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप रख देंगे तो वी इज इक्वल टू IR1 + IR2 + IR3 हो जाएगा। आई आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है पर आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है IR किससे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वी की जगह आप IR रख देंगे, आई कॉमन लेके आई से आई कैंसिल करके आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 + R2 R3 आ जाएगा। यही हमारा क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम दोनों के पैरेलल और सीरीज दोनों के आपको एक साथ करवा देंगे। पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ना था जो ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे Part 4 में ठीक है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लाइव स्ट्रीम से करें ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों को, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।